दोज हु जस्ट थिंक दे जस्ट थिंक ओनली दे डोंट एग्जीक्यूट दियर प्रिपरेशन. MSCET 2022 को लेके 50 प्लस डेज रिमेनिंग फॉर द एग्जामिशन. विच एवर सी ई टी एग्जाम यू आर टारगेटिंग फॉर, वेदर इट इज लॉ सी टी 3 ईयर्स और 5 ईयर्स और बी एड सी टी, एम सी ए सी टी और एम बी ए सी टी एग्जामिनेशन, यू हैव टू एग्जीक्यूट योर प्रिपरेशन. सो ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, सोते रहना है और फिर सोचना है कि मेरा स्कोर अच्छा आ जाएगा और फिर मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा. ये सपनों में अच्छा लगता है, ड्रीम में अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट गुड. और ये सोच के अपना स्कोर नहीं बढ़ने वाला, अपने को जो अपना कॉलेज है, जो हम गोल सेट करके कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो नहीं मिलेगा, ठीक है. बिकॉज कॉम्पिटिशन दिस ईयर गॉन अप. सो काइंडली टेक योर सी ई टी प्रिपरेशन सीरियसली एंड डोंट थिंक कि सी ई टी हलवा आराम से निकाल लेंगे, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा. इफ़ यू टॉक टू योर फ्रेंड जिसने 2020, 2019, 2018 वाला सी ई टी लिखा हुआ है, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि सी ई टी एग्ज़ाम कैसा है, व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल, पेपर में क्या क्या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं. सो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो अनसर्टेन था और बहुत ही जंबल्ड पेपर आया था, अनएक्सपेक्टेड सॉर्ट ऑफ, इसलिए मैंने उसके पहले वाला पेपर की बात की है, 2020 के पहले वाला. 2021 में पेपर थोड़ा सा अलग तरीके का था, जंबल था. सो जितने लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं चालू किया है, काइंडली स्टार्ट योर प्रिपरेशन. दिस इज़ व्हाट माय मैसेज थ्रू दिस वीडियो टू ऑल ऑफ देम. मेनी ऑफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन, मे बी रीज़न ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट बोल सकते हो कि आप प्रिपरेशन चालू करेंगे तो क्लियर होगा कि नहीं होगा, प्रिपरेशन होगी कि नहीं होगी, सिलेबस कवर होगा कि नहीं होगा, मे बी ये रीज़न हो सकता है. या तो फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो कि आराम से जैसे चल रहा है वैसे प्रिपेयर करके एग्जाम निकालेंगे. सो इन बोथ द केसेस आई वुड से ओनली वन थिंग, सिलेबस लो, प्रिपरेशन करो और टेस्ट लिखो. टेस्ट आपको प्रैक्टिकली बताएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपको कितना आता है, ठीक है. अगर टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो उसको इम्प्रोवाइज करने का ट्राई करो, नॉट एन इशू. कि आपका स्कोर कम आ रहा है तो उस प्रिपरेशन के बेसिस पे आपके एक्चुअल सीटी को जज मत करो, नंबर वन. सेकेंड, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा भी आ रहा है सो इट इज़ गुड, बाकी के जो वीक एरिया है उस पर काम करो और जो आपका सेक्शन स्ट्रांग है उसको और बेटर बनाओ, वहाँ पर आपका कम टाइम यूज़ हो, सो दैट जो टाइम सेव होगा आप वो वीक वाले सेक्शन में यूटिलाइज कर सको, ठीक है. तो ये तरीके से आपकी प्रिपरेशन को चैनलाइज करो. इट इज़ वेरी हाई टाइम टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन, टू चैनलाइज योर प्रिपरेशन प्रॉपर, क्रिएट अ प्रॉपर रोड मैप फॉर योर प्रिपरेशन. अगर ये आपने नहीं किया तो यू विल गेट प्लास्टर. और रैंडमली प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करनी है आपको. प्रिपरेशन के लिए यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग एंड एनी ऑफ द कोचिंग मटेरियल, रिसोर्सेज, टेस्ट सीरीज यू आर फॉलोइंग. सो ये सारे मटेरियल से आपकी प्रिपरेशन को बेटर बनाओ, ठीक है. एंड इन केस इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन सी टी बूस्टर लाइव क्लास, दिस इज द लास्ट बैच फॉर सी टी 2022 फॉर ऑल दी कोर्सेज, लॉ सी टी 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, एम बी ए सी टी, एम बी एस, एम सी ए सी टी, बी एड सी टी. सो यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर. दिस इज द लाइव क्लास बैच. वेर एवर यू आर इन महाराष्ट्र, मुंबई, इंडिया, आप कहीं पर भी हो, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो. बट इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर द क्लासरूम कोचिंग, मुंबई बेस्ड, सो क्रैश कोर्स बैचेस आर ऑन गोइंग. यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन द गिवन नंबर, बोरीवली, दादर एंड वसीम है, ठीक है. ऑल दिस डिटेल्स आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. एंड इन केस आपकी प्रिपरेशन हो गई है, एकदम कॉन्फिडेंट हो गए आप तो मुझे सी टी में अच्छा मैं फोड़ दूंगा, तो फिर टेस्ट लिखो, फुल लेंथ मॉक लिखो एंड देखो कितना स्कोर आपका आ रहा है और कौन कौन से सेक्शन प्रॉब्लम है उसको इम्प्रोवाइज करो. तीसरा एंड फाइनली, ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस रिविजन करते रहो. ये काम आपको करते रहना है. इमिडिएटली आपको आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, अब और डिले नहीं करना है. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एडवाइस. प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.